बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद यूब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। कल लाहौर वाली साइड पे काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज सुबह से ना तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज तो मौसम बिल्कुल मज़ेदार है। अम्मी जी सुबह से प्याजों की कटाई कर रही थी, करते इतनी जगह कर ली। अम्मी जी चले जाए घर, अब धूप बहुत ज़्यादा होगी। और जी अम्मी जी ने मिर्चियाँ भी बीजी हुई हैं, और अम्मी जी ने मिर्चियों के बूटे भी लगाए हैं, मुझे पता ही नहीं था। और जहाँ से उस दिन अम्मी जी ने लहसुन की पटाई की थी, वहाँ अम्मी जी ने जानवरों के लिए चारा बीज दिया, बो दिया, और वो माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा हो गया इस क्यारी में भी। मैं समझ रहा था इतने दिनों से कि ये धनिया, अम्मी जी कह रही हैं कि ये गाजरों का बीज है। माशाल्लाह अम्मी जी ने तो काफ़ी सब्जी लगाई हुई है। चले आज सब्जी की शायरी कर लेते हैं। अम्मी जी ये क्या है? अच्छा ये पनीर ही है। चले ठीक हो गया। मैं गया था नानी घर, छोटा सा काम था, तो आज की कॉल आई कि तुम्हारी सासू माँ आई हुई है ईद लेके। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, ईद आई, मेरी ईद आई पहले। तो चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है आज मुझे, और उनसे मिलता हूँ। ये ईद आई है जी हमारी। ये ब्लैक कलर का सूट है मेरी बेगम का, ये उसकी चूड़ियाँ, और ये मेरा सूट। आहद टाइम देखना ना क्या हुआ। 1:09 आज दिन कौन सा है? आज जुमा। तो कोई तैयारी नहीं जाने की मस्जिद में? कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। चले मैं अभी तब तक नहा लेता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम दोनों नहा धोकर हो चुके हैं रेडी। हम जा रहे हैं मस्जिद में। आहद और जहाद जो है वो नहा रहे हैं अभी, वो आएंगे बाद में। टाइम शाम के 5 बज चुके हैं, और वक्त हो गया असर की नमाज का। बस चलते हैं मस्जिद में, चल के नमाज पढ़ते हैं। सलाम। माशाल्लाह जी काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। माशाल्लाह जी अपने अपने सूट, केस, सराने, तरेले, और दो ये हैं जी वही दफ्तर रहमानी, असद कालू, और बाकी के हैं जो अभी आए नहीं आते हैं, तो फिर आपको उनसे भी मिलवाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद फिर से तैयारियाँ आ रही हैं, जा रही हैं जो रहती हैं अभी। ये पर्दा सिलाई करने वाला है, और एक दो और काम करने के बाद फिर इंशाल्लाह इन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। उठो घर से ना, कोई रस्सी लेके आओ, वहाँ उस जो ये खड़ा हुआ है ना छोटा था, इसे बांध के इस पिलर को बांधना है। लेके आओ, जल्दी जाओ, भाग के जाओ, भाग के आना। ओपन करवाएं उससे। चलो जी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं बिल्कुल, बाहर से देख लें, अब दिखाते हैं अंदर से। ये फारसी कुरान पाक पढ़े हुए पढ़ने के लिए, ये अपनी अपनी रेले लेके आए। ये तैयारी की है जी हमने ऐसी, बाकी अब सिर्फ उनके आने का इंतज़ार है। माशाल्लाह जी कूलर पखा भी आ गया इत्तफाकियों के लिए। अहमद को यहाँ से जाने की ज़्यादा जल्दी थी, तो भागने लगा था और मेरे सूट को हाथ लगाया और फाड़ के रख दिया सारा सूट।
सारी इज्जत खराब कर दी। अब जाते हैं पहले घर, सूट चेंज करके आता हूँ। अहमद कोई और नहीं मिला तुम्हें? मैं मिला था भाई, मैं इसके कोई काम। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, करने के बाद फिर वापस मस्जिद में जा रहा। अब तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी मेहरबानी, ये सूट मत फाड़ देना यार। आहिस्ता आहिस्ता, बारी बारी, ये लो चावल पकड़ो, बारी बारी थोड़े थोड़े देते हैं सबको, तकसीम कर दो सब। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े दे देना सारे। असद वहीद भाई मुजम्मर काफे बैठे, चले जी अल्लाह के सुपुर्द दवा करना, आमीन इंशाल्लाह, आमीन इंशाल्लाह। नहीं तो काफे बैठना था, वो मेरे आने से पहले बैठ गए, मैं आ गया थोड़ा सा लेट। चलो बस अब इफ्तारी करते हैं, करने के बाद नमाज पढ़ते फिर चलते हैं घर वापस। इफ्तारी भी हो गई और नमाज भी पढ़ ली हमने, तो आज काफ़ी दिनों के बाद इरादा बना कि शहर चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं और घूम के आते हैं। जाने लगे थे शहर तो अहमद के घर से उसके पापा की काल आ गई थी कि घर आओ घर आए, तो कह रहे हैं ये जो गंदम है ना ये पटोले में डालनी है, तो शहर जाना हुआ कैंसिल। अब इससे पहले डालते हैं पटोले में, फिर देखते हैं कि और क्या करते हैं। गंदम से पटोला भर गया, दरवाज़ा जो है साइड पे वो हमने कर दिया बंद, अब ऊपर से डाल रहे हैं। माशाल्लाह जी गंदम से जो पटोला है हमने भर दिया, जो बाकी गया वो ऐसे खेलों में रख लेंगे कमरे में। चले अब इसका दरवाज़ा पकड़ा दे। हमने इसका चेक करे, सारे थैले नीचे से मैंने पकड़ाया है और ये लस्सी ये सबसे पहले पी रहा है, ये क्या बात है? बिल्कुल वो क्या कहते हैं निकम्मों की तरह बैठा हुआ, मैंने कोई काम ही नहीं किया ना। आप किया हुआ है यार, ये ऊपर बैठा हुआ था और ये नीचे बैठा हुआ था, मैंने और किया सब कुछ। ये काम हमारा हुआ खत्म। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करें और मेरे दूल्हा भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।